जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फेस पैक बताने वाली हूँ। इस फेस पैक से आपके चेहरे की जो ढीली स्किन है वो टाइट होगी। कितनी भी ढीली स्किन हो गई हो, इस फेस पैक से आपकी स्किन टाइट होगी, चेहरे पे कसावट आएगी। अगर चेहरे में किसी भी तरह के कोई भी दाग धब्बे हो गए हैं, यानी कि कभी कभी होता है तिल, एक्ने या मस्से टाइप के, हल्के हल्के, वो मस्से नहीं होते हैं, दिखते हैं मस्से जैसे, तो वो हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें इस फेस पैक से आपकी खत्म होने वाली हैं। आंखों के आसपास अगर काले घेरे हो गए हैं, डार्क सर्कल हो गए हैं, तो वो भी इस फेस पैक से आपके खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फेस पैक केवल तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जो कि हर वक्त हमारे घर में उपलब्ध रहती हैं। वो ऐसी ही तीन चीज़ें हैं जो कि हर वक्त आपके घर में उपलब्ध रहती हैं और रोज उन चीज़ों का लगभग आपके घर में काम रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, इस वीडियो को अगर आप जरा सा भी स्किप कर देंगे, तो आपको इस वीडियो का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको ये देखना है इस फेस पैक को लगाना कैसे है, कितनी देर उसको रखना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, फेस पैक को धोने के बाद क्या करना है। तो इस तरीके से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखना है और इसको समझना है। ये इतना अच्छा फेस पैक है, बिना चेहरा धोए ही फेस पैक के ऊपर से ही आपको चेहरे की ग्लो दिखनी शुरू हो जाएगी। लगाते लगाते आप देखेंगे खुद अपनी आंख से कि इस फेस पैक का कितना बढ़िया असर होता है और कितनी अच्छी आपके चेहरे के ऊपर रौनक आती है। अगर आपका चेहरा काला है, सांवला है, और इस फेस पैक को यदि आप नियमित अपने फेस के ऊपर लगाना शुरू करेंगे, तो बहुत जल्दी आपके चेहरे का रंग एकदम साफ हो जाएगा और चेहरे पर एक बहुत ही बढ़िया सा निखार आएगा। तो आइए देखते हैं इस फेस पैक को। ये वाला जो आज फेस पैक मैं आपको बता रही हूँ, लगा के भी दिखाऊंगी, और इसमें बहुत ही कम सामान यूज हुआ है और सारी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हैं। तो देखिए, ये जो हमारा फेस पैक है, ये हमारे चेहरे को कसावट देगा, यानी कि अगर चेहरे की स्किन ढीली हो गई है तो हमारे चेहरे की स्किन टाइट होगी। चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं तो वो भी दूर होंगे, चेहरे का सांवलापन खत्म होगा, लेकिन इसको आपको नियमित इस्तेमाल करना होगा। और आंखों के आसपास भी यदि आपके डार्क सर्कल हो गए हैं या काले घेरे हैं, तो वो भी इससे ख़त्म होंगे, क्योंकि इसमें हम जो चीज़ यूज करने वाले हैं, वो चीज़ें हर तरीके से हेल्दी हैं और पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इनका किसी तरह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो ये फेस पैक है, इसको ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन सभी लोग यूज कर सकते हैं, और इसको चाहे लेडीज यूज करेंगी या जेंट्स, ये सबके ऊपर बराबर ही असर करेगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी में 2 चम्मच कच्चा दूध। तो कच्चे दूध के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए मेरा आप चेहरा देख सकते हैं, बिल्कुल धुला हुआ चेहरा है, चेहरे पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। और अभी इस कच्चे दूध में देखिए, ये थोड़ा सा मेरे पास में रुई है, तो इस रुई को हम भिगो करके कच्चे दूध में अपने चेहरे के ऊपर सबसे पहले कच्चा दूध लगाएंगे। इस तरीके से पूरे चेहरे पर दूध आप लगा लीजिए। इसको आप आंखों के आसपास भी लगाइए, जिससे कि आंखों के आसपास भी दूध की जो पौष्टिकता है वो स्किन को मिल सके। अब ये देखिए, कच्चा दूध लग गया है, और इसको लगने के बाद में आप इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो अभी देखिए 1 मिनट हो चुका है और काफ़ी मात्रा में दूध फेस के स्किन के अंदर भी जा चुका है। तो अभी हम ये सूखा कॉटन का टुकड़ा ले रहे हैं और इससे हम इसको रिमूव कर देंगे, यानी कि इसको हम पोंछ लेंगे। और आप देखिएगा, अगर आपके चेहरे के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी गंदगी है, यानी कि अगर आपने केवल सादे पानी से फेस अपना धोया है, तो जो भी डस्ट होगी वो सारी इस कॉटन में निकल जाएगी। और इसी वजह से मैंने भी अपना फेस केवल पानी से ही धोया है सादे, और मैं काफ़ी घर के काम कर चुकी हूँ, और सादे पानी से मुँह धो के फिर आपको ये लगा के दिखा रही हूँ, ताकि आपको ये पता लग सके कि इसमें वास्तव में गंदगी खींचने की क्षमता है या नहीं है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये रुई पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है, जबकि इधर की साफ है और इधर की गंदी हो चुकी है रुई। एक बार पलट के भी इसको आप ऐसा क्लीन कर लीजिए, और दोबारा हमें फिर यही प्रक्रिया करनी है, यही कच्चा दूध हमको फिर से अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए, पूरे फेस पर फिर से दूध लगा लिया है, और अभी हम इसको फिर से 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
तो अभी देखिए 1 मिनट हो चुका है, अभी हमने फेस पैक जबकि बनाया भी नहीं है, केवल हमने इसको मिल्क से अपने फेस को क्लीन किया है, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी कितना हमारा चेहरा साफ दिखने लगा। और देखिए अभी जब दोबारा हमने मिल्क लगाया, 1 मिनट छोड़ा, उसके बाद फिर हमें सूखे कॉटन से अपने फेस को एक बार पोछेंगे। और बहुत ही हल्के हाथों से पोछिएगा, बहुत ज्यादा स्किन को रगड़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए जो भी बची हुई गंदगी थी सारी इस कॉटन में फिर से निकल गई है। अब हम शुरू करते हैं अपना फेस पैक बनाना। तो इसके लिए देखिए बहुत ही मैंने कम सामान यूज किया है, और जो भी सामान यूज किया है इससे आपके फेस पर वाइटनिंग भी आएगी, फेस आपका साफ होगा। तो देखिए दूध तो मैंने आपको बता ही दिया, ये इस कटोरी में हमारे पास दूध है, और इसी में हम ये 1 चम्मच मैदा डाल रहे हैं। 1 चम्मच ये मैदा हमने इसमें डाल दिया, और देखिए ये 1 चुटकी हमारे पास हल्दी है, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा हमें अब इसमें कुछ भी नहीं मिक्स करना है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुका है, और इस तरीके से ये हो गया है। अब हम इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको जब भी आप अप्लाई करिए, इसका अप्लाई करने में ही सारा है। देखिए हमेशा अपने फेस पैक को इस तरीके से लगाइए, इस तरीके से। हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ले जाइए फेस पैक को, ताकि अगर स्किन के ऊपर किसी तरह की कोई दराज रेखाएं ये सब दिख रही हैं, तो वो ऊपर को जाकर के स्किन को टाइट करती हैं। तो देखिए अभी पूरे फेस पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया, और आप देख सकते हैं आंखों के ऊपर नीचे भी मैंने इसको लगाया है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पड़ी है जिससे कि हमारी स्किन को किसी तरह का कोई भी नुकसान हो। अब इसको लगा के हम 3 से 4 मिनट छोड़ेंगे पहले। तो देखिए अभी 4 मिनट हो चुके हैं, आपको 2, 3 या 4 मिनट ही इसको छोड़ना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो ये 2 मिनट में ही एकदम सूख जाएगा आपके फेस के ऊपर, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो देखिए अभी ये पूरी तरीके से तो ड्राई नहीं हुआ है, क्योंकि मौसम भी नमी का है और हमें पूरी तरीके से इसको ड्राई करना भी नहीं है। और अभी देखिए जो हमारा कटोरी में ये फेस पैक बचा हुआ है, इसको हम इसके ऊपर से लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप तो ये समझ लीजिए कि अभी देखिए हमने फेस पैक को धोया नहीं है, और उसके बावजूद भी अंदर से इसकी जो ग्लो है, जो इसका निखार है अंदर से दिख रहा है। तो अभी एक बार हम फिर से इसी के ऊपर से ये बचा हुआ अपना फेस पैक ऐसे ही लगा देंगे। तो देखिए अभी पूरे फेस पर एक बार फिर से इसको मैंने पूरी तरीके से लगा दिया है, और अभी देखिए फेस पैक खत्म भी हो चुका है, और अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 8 मिनट के बाद में मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे धोना है, और इसके धोने के बाद में हमें इस फेस पे लगाना क्या है। तो देखिए अभी 8 मिनट हो चुके हैं, और फेस पैक हमारा एकदम पूरी तरीके से देखो सूख भी नहीं पाया है, क्योंकि हमें इसको पूरी तरीके से सुखाना नहीं है। और अभी देखिए इस स्टेज पर हम इस तरीके से अपने पूरे फेस के ऊपर 1 से 1.5 मिनट की हल्की सी बस मसाज देंगे, और देखिए अभी 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो अब हम इसको पानी से फेस को गीला करके और धीरे धीरे मल के उतार देंगे, धो लेते हैं चेहरे को, देखिए कितना अच्छा निखार आएगा, मैं दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए अभी फेस को मैं धो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्लो आई है, और इसको लगाने के धोने के लगभग आधा घंटे के बाद में इसकी असली ग्लो दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब आप तुरंत लगाते हैं किसी भी चीज़ को तो उसका जो भी असर होता है आपको तुरंत ही दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन कम से कम आधा घंटा लगता है पूरी तरीके से किसी भी चीज़ का आपकी स्किन पर असर आने का। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इससे ग्लो आ गई है, और इस फेस पैक को यदि आप लगातार यूज करेंगे तो इससे आपके चेहरे की ढीली स्किन टाइट होगी, चेहरे पर चमक आएगी, आपका सांवला रंग साफ होगा, चेहरे पर गोरापन आएगा, और चेहरे के जो भी दाग धब्बे होंगे सारे मिट जाएंगे। आप देखिए अंदर से ये फेस को एकदम निखार के लाता है, अंदर से फेस को एकदम क्लीनिंग कर देता है, क्योंकि जो हमारा दूध होता है
कच्चे दूध में चेहरे को साफ करने की, स्किन को साफ करने की बहुत बड़ी पावर होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये फेस पैक पसंद आया होगा, और अगर वास्तव में पसंद आया है तो प्लीज़ इसको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। नमस्कार, धन्यवाद।